फोटो इनकी ऐसी आज के श्री रूपेश गुप्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी सुशील शाक्य जी, पूर्व विधायक अमर सिंह खटीक जी, कुलदीप गंगवार जी, वीरेंद्र कठेरिया जी, ऋषिपाल सिसोदिया जी, प्रभात अवस्थी जी, अश्विन दिवाकर जी, कुशल संचालक, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं और मातृशक्ति, इस कार्यक्रम में मातृशक्ति ज्यादा है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज मातृशक्ति में सामाजिक सरोकार के लिए कितनी जिज्ञासा बढ़ चुकी है। पूरा देश आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मना रहा है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेदूरी पर रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेदूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमक में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमक में दीदवर। ये बाबा साहब की शख्सियत के लिए दो पंक्तियां ही सब कुछ कह देती है। लेकिन क्या कोई शख्सियत बिना संघर्ष के बन पाई? प्रभु श्री राम भी प्रभु जब बने, जब 14 साल वन में जाकर गिरिजन और वनवासियों को एकत्रित कर संघर्षरत रहे और एक आताताई को पछाड़ा, तब वो प्रभु श्री राम बन पाए। कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण कब बने? जब उन्होंने सभी ग्वाल बालों को एकत्र करके उनको वन में गौशाला गौचरण के माध्यम से संगठित करके शिक्षित करके संघर्ष के लिए अगुवाई की, तब वो प्रभु श्री कृष्ण बने। बाबा साहब भी अपने वर्षों के संघर्ष के बाद तब के जब सोना बने हैं, कुंदन बने हैं, तब देश ने उसको पूजा है। ये बाबा साहब की शख्सियत। लेकिन हिंदू समाज सिर्फ वोटों की खातिर या मात्र कुछ तालियां पटवाने की खातिर अगर नकारात्मक बात भूली जाएंगी तो ये समाज समतामय समाज और ममतामय समाज बन नहीं सकता। कुछ वो बातें भी बताई जानी चाहिए जो सकारात्मक हो। इस हिंदू समाज में तो महिलाओं को बड़ा ऊंचा स्थान रहा है। मां सरस्वती है विद्या की देवी, मां दुर्गा है शक्ति की देवी, मां लक्ष्मी है धन की देवी, तो माताओं का सम्मान तो इस हिंदू समाज में बरसों का अनादिकाल से है। एक युग ऐसा आया मुगलों का, आक्रांताओं का, उसने योजना पूर्वक ऐसा किया जिससे कि हिंदू समाज के एक अंग पिछड़ जाए। अंग्रेजों का युग आया, उसने जब अपने प्रतिनिधि चुनने का वक्त आया, उनको जब ये लगा कि हिंदू समाज या मुस्लिम समाज भारतवासी का भारतवासियों का समाज उनसे संघर्ष पर उतारू हो गया, तो कुछ सत्ता की भागीदारी सिंबॉलिक रूप से उनको दे दी जाए, तब उन्होंने कुछ नियम बनाए। लेकिन वो नियम हमारी चिति के नहीं थे, अंग्रेजों के थे। इस देश की माटी से जुड़े हुए नहीं थे, प्रकृति से जुड़े हुए नहीं थे, अंग्रेजों के। उनका उदाहरण देकर हम समाज को बांट नहीं सकते,
हम तो वो बताना चाहते हैं कि जो समाज को समता भाई बनाए, ममता भाई बनाए। वंचित समाज है, जैसे शाकिर जी बता रहे, और अगर समृद्धि नहीं है तो वंचित एक अभिशाप है, चाहे किसी भी प्रांत में हो। धनाभाव एक अपराध है, बाबा साहब जैसे गरीब परिवार के थे, लेकिन अंबेडकर नाम किसने दिया, यह बात भी सामने आई। जब उनके गुरु जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा हाई स्कूल तक की शिक्षा कराई और देखा मेधा प्रतिभा का धनी है बालक, वो पंडित थे, उन्होंने उनको तराशा, पहले तलाशा फिर तराशा, ये उनका काम था अपने गुरु का। उनकी प्रतिभा को सब उभार के लाए और अपना नाम दिया। फिर वो प्रतिभा यही ना तो कहीं खो जाए, और कैसे खो जाती है प्रतिभा, में उदाहरण दूंगा अपने समय का। जब मैं पढ़ता था, मेरे साथ एक एड तक एक बालक था और वो बहुत होशियार, नाइन्थ में जब हम आए तो उसने कॉमर्स की, मैंने साइंस है, कॉमर्स में फर्स्ट डिविजन लाया हाई स्कूल में। लाना मुश्किल है, साइंस में लाना आसान है, हमारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, फर्स्ट आया। इंटर में के फर्स्ट आया, लेकिन उसके पिताजी एक पढ़े ही थे, आगे की पढ़ाई पे खर्चा नहीं उठा सकते थे, न जाने कहां खो गया। मैंने उसको तलाशा क्योंकि मुझे किसी डिग्री कॉलेज में नहीं मिला, मैं एक विद्यार्थी परिषद संगठन का काम करता था और मैं जानता था कि अगर इसको कहीं दिशा नहीं मिली तो ये कहीं क्लर्क या चपरासी बनकर खत्म हो जाएगा, एक अच्छी प्रतिभा यही खत्म हो जाएगी। हीरे को तराशना चाहिए, उसके साथ नहीं हो पाएगा, और यही हुआ, मिला नहीं। बाबा साहब को गायकवाड़ महाराज, बड़ौदा महाराज के पास ले गए बाबा साहब को, और उनको विदेश में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई। महाराज गायकवाड़ राजपूत थे, ममतामय और समतामय समाज यह था, इसका भी याद रखना चाहिए। और अगर वो बाबा साहब को नहीं पढ़ाते, विदेश में जाके ब्लॉक में डिग्री नहीं कराते, तो बाबा साहब भी कहीं धूमधाम उस बालक की तरह खो जाते, कौन जानता फिर उनको। यह था, यह समाज की देन थी, समाज ने मिलकर उनको बाबा साहब बनाया और भारत रत्न बने, उनके अंदर प्रतिभा थी, उनके अंदर विलक्षण गुण थे, लेकिन तराशने पर पत्थर गिरा होता है, ये बनाया इस समाज ने। यह भी हमको समाज के बीच रखनी चाहिए बात। बाबा साहब जानते थे कि अगर शिक्षित नहीं हुआ व्यक्ति तो ना तो सम्मान मिलेगा ना समृद्धि मिलेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा और इज्जत भी नहीं। इसलिए उन्होंने संदेश दिया, शिक्षित करो, नशे मत करो, नशे में पैसा बर्बाद मत करो, उस पैसे को अपने बच्चों के लिए लगाओ, शायद कुछ बन जाएंगे तो वो भी बाबा साहब बन सकते हैं। यह संदेश उन्होंने दिया समाज को, कितने लोग मानते। सिर्फ किसी भी महापुरुष की जय बोलना, जयकारे करना, जयंती मनाना, यह
ठीक नहीं है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए स्वयं उन तक उनके प्रभाव तक जैसा बनना, यह सच्ची श्रद्धांजलि है किसी का, ये जो हमारे उत्तर दिशा है। बाबा साहब ने एक राजनीतिक विरासत दी, इस देश को संविधान दिया जिस पर देश चलता है, मताधिकार दिया सबको, 18 वर्ष से ऊपर जो भी होगा वो मताधिकार होगा, एक आवाज दी सब, यह उनकी देन थी। अंग्रेज वाले नियमों को नहीं माना उन्होंने, उन्होंने अपने देश की हिंदू चिति जो थी, हिंदू चिति क्या थी, राम ने सीता को धोबी के कहने से छोड़ा था, राजतंत्र था लेकिन लोक की आवाज वहां बुलंद थी, यह है हमारी चिति, हमारी प्रगति। सुदामा जैसा विपन्न कृष्ण के दरबार में पहुंचता है और कृष्ण उतर के उसके पांव धोते हैं, यह है हमारी चिति और प्रकृति। इसी को समझकर बाबा साहब ने संविधान में उकेला है जिस पर आज हम लोग चलते हैं, और तभी मेरे नेता बोधि वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धोता है संगम के दिन, यह है हमारी। बाबा साहब ने दिया इस देश को, इस समाज को, कितनों ने माना उसको, उनके नाम लेकर वोट मांगते रहे, उनका नाम लेकर सत्ता चलाते रहे, जितना उनके रास्ते पर चले, 65 साल की देश आजाद हुआ, कितने लोग उनके रास्ते पर चलकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भला कर सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बाबा साहब के सच्चे अनुयायी, जिन्होंने लिखा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, कभी उत्थान की बात नहीं होगी, कार्यक्रम नहीं बनेगी, योजनाएं नहीं बनेंगी, तो हिंदुस्तान की प्रगति विकास की बात करना बेमानी है। यह राजनीतिक फतवा, यह राजनीतिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक का अधिष्ठाता है। बाबा साहब के यह है अनुयायी, उन्होंने कैसा चिंतन दिया जिसको आज भी हम लोग स्वीकार करते हैं, हम लोग जिसके रास्ते पे चलते हैं, ये राजनीतिक चिंतन बाबा साहब से लेते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया और आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता तक पहुंचाया, ये है बाबा साहब के असली अनुयायी। मोदी जी जब सत्ता आई तो जो सिद्धांत बाबा साहब ने दिए, जिनका अनुगमन करते हुए एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सब तक पहुंचाया और उसको कार्यान्वयन किया, तो मेरे नेता मोदी ने किया है देश के अंदर, मुझे फख्र है। जनधन योजना, करोड़ों लोग ऐसे थे जो बैंक के दरवाजे पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे, वंचित थे, अरे इसको क्यों नहीं बताते हैं लोग, यह भी तो एक अभिशाप था। उस अभिशप्तता से किसने दूर किया, मेरे नेता मोदी ने किया। कहा पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आपका खाता खुलना चाहिए, करोड़ों लोगों के खाते खुले बिना पैसे, उसके लाभ मिले। आप सोच रहे होंगे बिना खाते के पैसे खुल गए तो क्या दे दिया मोदी, मेरे पड़ोस में एक वाल्मीकि समाज का मोहल्ला है, उसमें वाल्मीकि महिला हमारे यहां काम करने आती है, एक दिन मेरे पास आई, मैं विधायक था उस समय, बोली विधायक जी मुझको लगभग 10,000 रुपए की जरूरत है, किसी से ब्याज पे दिलवा दीजिए।
मैंने कहा ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो ब्याज पर पैसा लेना चाहते हैं आप? तो बोली कि मेरी बच्ची बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि इसके 7-8 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तब ये ठीक हो पाएगी, वरना कुछ भी हो सकता है। आंखों में उसके आंसू थे। मैंने पूछा आपका जनधन खाते में योजना में खाता है आपका? बोली है, लेकिन उसमें 100 रुपए है बस। मैंने कहा 100 रुपए आते जाते रहते हैं, चालू है कि नहीं? बोले हाँ 100 रुपए। मैंने कहा 5,000 रुपये का चेक लेके जाइए, आपको वहां से पैसा मिलेगा। ये योजना थी उसमें मोदी जी। बोली अगर नहीं दिया उसने तो मैंने कहा मुझे मुझे बताइएगा, बाकी खर्चा कम करने के मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा, आपको कब पैसा नहीं आएगा। वो गई वहां से पैसा लिया, डॉक्टर को दिया। आज उसके घर में उसकी बच्चे की किलकारी गूंज रही है, उसके अच्छे दिन आए कि नहीं आए मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। यह है हमारे नेता मोदी जी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास और उसका उसकी खुशी का एहसास। ये जनधन योजना का लाभ, जो योजना सरकार की आती थी जनता तक पहुंचने के लिए, बिचौलियों से कमीशन खाते नहीं खाते थे। पूछना चाहता हूं आप लोगों से, एक भी ऐसा किस्सा बता दे कि बिना पैसा लिए किसी क्लर्क ने आपको वो अनुदान दे दिया हो जो सरकार ने दिया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया पहुंचाते हैं 20 पैसे पहुंचता है। आज सीधा पहुंच रहा है जनधन खाते में हर योजना का पैसा। यह दिया कि नहीं दिया मेरे नेता को? यह है बाबा साहब के अनुयायी होने का नमूना। और राजनीतिक दल बताया ना उन्होंने क्या किया है बाबा साहब के कदमों पर चलते हुए, अपना घर भर लेना बाबा साहब का नाम पुकारना। ये बाबा साहब ने नहीं बताया है, उन्होंने कहा था मेरी नीतियों पर चलो, मेरे कार्यक्रमों पर चलो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कर रहे हैं। मैं जहां रहता हूं आगरा, जाटों समाज बहुत बड़ी संख्या में और सुबह सुबह जो ट्रेन निकलती है वहां से अब निकल निकलती थी, रास्ते में शौचालय नहीं थे लोगों के घरों में, खासतौर से वंचित समाज के, वो जो पटरी के किनारे बैठ के शौचालय करते थे। महिलाएं या तो पांव हटने से पहले या अंधेरा होने के बाद जा पाती थी। सोचिए कैसे कष्ट होता होगा यदि किसी को बीच में निवृत्त होने की एहसास हो, लेकिन मजबूरी इसने समझा इसकी तड़प। बहुत से उपकरण आए हैं, कांग्रेस आई, सपा रही, बसपा रही और लोग आए, किसने इस तड़प को समझा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी ने और शौचालय की व्यवस्था कराई, गैस वंचितों में यहां तो चूल्हे नहीं, चूल्हे जलते थे ना, गैस तो नहीं। महिलाएं ज्यादा बढ़ती है, इसलिए बात कर रहा हूं, चूल्हे पे या कंडों पर या अंगीठी पर खाना बनाती थी, कितना धुआं के फेफड़ों में आंखों में जाता था, आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे। किस नेता ने इस तड़प को समझा पूरे देश में? किस दल के नेता ने समझा इसको? मेरे दल के नेता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता मोदी ने और फ्री में कनेक्शन दिलवाए। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भला कैसे हो, यह
सोच यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है, असली अनुयायी भारतीय जनता पार्टी भाजपा बाबा साहब की बनी। एक लंबी श्रृंखला है ऐसी बातों की, बताते बताते शाम हो जाएगी कि कैसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जो बाबा साहब की कल्पना थी इस देश के वासियों के लिए, देश के लिए, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरी हुई। और दल थे, किसी ने राष्ट्रपति के बारे में क्यों नहीं किसी दल को सोचा? हिंदू राष्ट्रपति की लंबी श्रृंखला बनी, मुस्लिम तक बने, कोविंद जी को किसने बनाया, सर्वोसम्मान के शिखर पर किसने पहुंचाया जो बाबा साहब की कल्पना थी? संविधान में अधिकार दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि संविधान के सबसे सर्वोच्च शिखर पर भी हमारा व्यक्ति बैठ सके। ये उनकी सपने को मेरे नेता मोदी ने, मेरी पार्टी भाजपा ने महिलाओं को आगे बढ़ाना, और वंचित समाज की महिलाओं को, मुर्मू जी को किसने बनाया? हमारी पार्टी ने बनाया, हमारे नेताओं को बनाया, मेरी सोच को बनाया, इस समाज को, सब समाज की भागीदारी हो। नारे तो देते रहे लोग कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन हिस्सेदारी कहां गई? उनके घरों की तिजोरियों, ये अपने परिवार में, या व्यक्ति में सिमटी या परिवार में सिमटी। हमारे यहां पर नेताओं ने अंतिम छोर पर पहुंचाई, इसलिए बाबा साहब का नाम लेने में फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना होगा, उसके बताए हुए रास्ते से देश को समृद्ध बनाना होगा, तभी बाबा साहब का सपना होगा। बाबा साहब ने कभी सामाजिक वैमनस्यता स्थापित करने की बात नहीं कही, सामाजिक वैमनस्य तो ब्राह्मण ब्राह्मणों में भी है, ठाकुर ठाकुरों में भी है, पिछड़े पिछड़ों में भी है, सामाजिक समरसता। रोटी बेटी दोनों के संबंध जब कायम होंगे तो ज्यादा जल्दी होगी, इस बात को अदरवाइज नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा विवाह भी पिछड़े वर्ग के सिख समाज में हुआ, हूं मैं ब्राह्मण, लेकिन पढ़ते समय दोस्ती हुई, दोस्ती रिश्ते बदली, इसको राजनीतिक दल कहा छुट जाएगा? जब तक अगर दूरियां दूर करनी है तो रोटी बेटी दोनों के संबंध बननी चाहिए, बाबा साहब बता के गए, हमें अदरवाइज बात नहीं करनी चाहिए। समाज के लिए, समाज को जोड़ना है, बाबा साहब ये बता के गए हैं। हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता उसका अनुसरण करते हैं। सकारात्मक बात हम करें, यही बाबा साहब बता के गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वापस बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करता हूँ। दिया जाएगा, उसके बाद आपका विराम हो जाएगा। तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को बुलाऊं, उस